भारत चीन झड़प में घायल हुए जवानों में एक जवान अलवर जिले के नौगावां का रहने वाला है। जवान को 15 घंटे बाद होश आने के बाद से जवान के घर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। लोग घायल जवान के परिजनों से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि नौगावां निवासी बलवंत सिंह का बेटा सुरेंद्र सिंह इन दिनों लद्दाख की गलवान घाटियों में अपनी ड्यूटी पर तैनात है। दूसरी ओर जवान सुरेंद्र सिंह के माता पिता गलत बयानबाजी करने वाले छुटभैया नेताओं को भी कोस रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ नेता इस मामले में राजनीति कर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। ये मेरा पड़ोसी सुरेंद्र सिंह जो चीन बॉर्डर पर घायल हो गए हैं, उनका ये मकान है और फिलहाल ये अपने गांव पैतृक गांव है इनका नौगावां के पास, वहाँ गए हुए हैं जी। और जो ये भाई साहब बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें, जो उल्टे सुलटे बयान दे रहे हैं गलतबाजी। जो पार्टियाँ, जब नरेंद्र मोदी साहब हैं, सब एक देश एक है तो एक रहे। बॉर्डर पर गंभीर रूप से घायल हुए अलवर के सुरेंद्र सिंह को लेकर लोगों में काफ़ी चर्चाएं हैं और उसकी जाबाज बहादुरी को इससे अलवर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अलवर के लोग उनके घर जा रहे हैं और जाबाज परिवार को शुभकामनाएँ दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि आपके जो लाल ने हैं वो न केवल चाइना बॉर्डर पर अपना मजबूत इरादे दिखाए, मजबूत ताकत दिखाई, साथ ही अलवर का भी नाम रोशन किया है। साथ ही लोगों ने जो इस मामले में राजनीति कर रहे हैं उन पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर जहां राष्ट्रीय स्तर के नेता एक हैं और केवल एक ही बात कह रहे हैं कि चाइना को सबक सिखाया जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैमरा पर्सन सेतिया के साथ में अलवर से चंद्रशेखर शर्मा।